चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और घने कोहरे के चलते यातायात सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। कोहरे की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कामकाज में लोग देरी से पहुंच रहे हैं। तो चंडीगढ़ उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार बरकरार है और चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, यातायात पूरी तरह से ठप, वही लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, आने में भी दिक्कत है बहुत, मतलब ठंड थोड़ी बढ़ गई और ज्यादा, जैसे पहले थे ना उससे ज्यादा कुछ बढ़ गई ठंड, काफी ठंड होगी तो दिक्कत आएगी। मैडम बहुत ठंड है जी, तो बहुत ही ज्यादा बारिश के बाद तो इतनी ठंड है जी, काम जब में जाना मुश्किल हो रहा है जी, क्या करे जी, इतना कोहरा लग गया तो मुश्किल है जी, आगे पता नहीं क्या हाल होगा जी, बच्चों का बहुत मुश्किल है जी, जाना आना जाना मुश्किल हो रहा है जी, कोहरा से तो बहुत ज्यादा हो रहा है जी, तो कोहरा तो आगे पता नहीं कितना कोहरा बढ़ता है, इससे ज्यादा बहुत ठंड है जी, हाथ पाँव तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, जाना मुश्किल हो जा रहा है दफ्तर में। तो मैम बहुत सारा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ में, मतलब कि एक तो साधन कोई चल नहीं रहा हाथ से, दूसरा पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ जी हाँ जी, जैसे कि हमारा 9 बजे का टाइम है तो हम 10:30 बजे पहुँच रहे हैं इससे, तो आगे से भी बोल रहे हैं कि ऐसे लेट क्यों आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जी ठंडी इतनी बढ़ रही है तो आना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो आज इस कोहरे की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है मैम आना जाना, ट्रैवल करना ठंड के अंदर, फिर भी मैनेज कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके। पहाड़ों में पड़ रही बर्फबारी के चलते लगातार मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। घने कोहरे के चलते आप देखिए किस तरीके से यातायात सेवाएं प्रभावित यहां पर हुई है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के मटका चौक में खड़ी हूँ और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन है वो सड़कों पर आपको रेंगते हुए नजर आएंगे। हेडलाइट यहां पर इस वक्त जलाई गई है, सुबह के 8 बजे हैं और यहां पर आप देखिए घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम यहां पर हो चुकी है और यही वजह है कि वाहन चालकों को वाहन चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से आज भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब हरियाणा में भी ये अलर्ट जारी है और यहाँ पर वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है लगातार, जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से, कि वाहन चालक सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। और चारों तरफ की हम तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं चंडीगढ़ के मटका चौक की और आप देखिए किस तरीके से यहां पर जो वाहन है उन्हें कितनी परेशानी आ रही है वाहन चलाते हुए, क्योंकि कोहरे का प्रकोप जो है लगातार ही बढ़ता जा रहा है। और मौसम विभाग का भी इस तरीके का पूर्वानुमान है कि नए साल तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और नए साल के आगाज में बारिश की भी संभावना जताई गई है। लेकिन कोहरे की वजह से पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में जो हादसे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और कई लोगों की मौत भी इस हादसों में हुई है। तो यही वजह है कि एडवाइजरी दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं, खासकर यातायात सेवाओं को लेकर। रेल सेवाएं भी यहां पर प्रभावित हुई हैं, उड़ाने देरी से यहां से चल रही हैं। वहीं अगर आप यातायात सेवाओं की बात करें तो यहां पर देखिए वाहन चालकों को कितनी परेशानी यहां पर वाहन चलाने में आ रही है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें इस तरीके का आग्रह किया है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकले। तो ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे थे चंडीगढ़ की, जहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम का और कोहरे का किस तरीके का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।